हेलो गाइस, दिस इज सचिन चौहान, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। गाइस, रिसेंटली मैं अमेजोन पे सर्च कर रहा था कुछ अच्छे लेंसेज, ठीक है, फ़ोन फोटोग्राफी के लिए। तो मैंने ये स्काई इंडिया के लेंसेज मंगाए हैं फ़ोन फोटोग्राफी के लिए। तो इस वीडियो में हम इन्हीं लेंसेज को अनबॉक्स करने वाले हैं और हम देखेंगे कि किस तरीके से हम जो DSLR में वाइड एंगल, टेलीफोटो या फिर बैकग्राउंड जो ब्लर वाले जो इस तरीके की फोटोग्राफ हैं, हम किस तरीके से अपने मोबाइल को DSLR में चेंज कर सकते हैं इन लेंसेज को यूज़ करके। तो मैं इसी का अनबॉक्स करने वाला हूँ और मैं आपको सैंपल ऑफ इमेजेस भी दिखाऊंगा, मतलब कि किस तरीके का आउटपुट आ रहा है इन सारे लेंसेज से। अगर आपको कोई दूर का सब्जेक्ट क्लिक करना है तो आपके पास टेलीफोटो लेंस होना चाहिए। तो वो बेसिकली कैमरों में तो हो जाता है, बट वो मोबाइल में हम किस तरीके से करें। सो गाइस, ये वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और मैं आपको सैंपल इमेजेस भी दिखाऊंगा इन लेंसेज के थ्रू जो आएंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो विदाउट टाइम वेस्ट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अभी हम इसे ओपन करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं गाइस, ये बॉक्स आपको दिख रहा होगा, ये बॉक्स आया है। सो गाइस, अभी देखते हैं कि इसके ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है। तो इस पे लिखा हुआ है मोबाइल टेलीस्कोपिक लेंस कलरफुल कॉम्बिनेशन फॉर मोबाइल फोन। सो अभी आप बॉक्स भी देख रहे हैं कि कितना बड़ा जो लेंस है ये, ठीक है। और इसके पीछे भी देखिए, बेसिकली इसके बारे में लिखा हुआ है, इसकी पिक्चर लिखी हुई है, ट्राइपॉड वगैरह दिए हुए हैं और इसकी स्पेसिफिकेशन जो है वो सारी प्रॉपर लिखी हुई है। तो अब इसके अंदर देखते हैं हम कि क्या है। हमें एक और बॉक्स मिलता है ये इस तरीके का, काफ़ी अच्छा है क्वालिटी इसकी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है। दिस गोना बी अल्टीमेट गाइस, दिस गोना बी अल्टीमेट, आई गॉट दिस। तो मैं अभी आपको थोड़ा पास से दिखा देता हूँ। तो गाइस, अभी आ गया हूँ मैं अपने टेरेस पे, छत पे, और मैंने ये देख रहे हैं आप अभी स्क्रीन पे, ठीक है। मैंने ये जो लेंस है ये पुट कर लिया है, ठीक है, जो कि काफ़ी बड़ा है। क्लिप के साथ मैंने क्लिप लगा के, और ये नीचे इसके नीचे एक ट्राइपॉड भी मिला है, ये भी मैंने पुट कर लिया है, ठीक है। अब मैं इसके बाद आपको कुछ फोटोग्राफ और दिखाता हूँ कुछ वीडियो कि ये कितनी दूर का जो है जूम ले सकता है, ठीक है। और आप फुटेजेस भी आप देख लेना कि आपको अपने हिसाब से ही जज करना है कि आपको कैसा ठीक लग रही है या नहीं लग रही है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। गाइस, अभी आप वो उधर देख रहे होंगे कि बिल्कुल एकदम मैं आपके पास करता हूँ, उधर देख रहे होंगे कि दूर एक छोटा सा झंडा है, ठीक है, दिख रहा है आपको। अब इसी झंडे का हम कुछ फोटोग्राफ लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पर अगर आप देखेंगे इधर की तरफ, वो जो तीन टंकियाँ रखी हुई हैं, ठीक है, उसके ऊपर कुछ एक कबूतर बैठा हुआ है, मैं उसकी फोटोग्राफ भी क्लिक करूँगा। और मेरे घर के आसपास जो है काफ़ी ज़्यादा एरोप्लेन जाते रहते हैं, क्योंकि मेरे घर के पास में ही जो है एयरपोर्ट है, ठीक है। तो कुछ एरोप्लेन्स की फ़ोटोग्राफ भी क्लिक कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो आप, मैं फुटेजेस डाल दूँगा तो आप देख लेना आपको कैसी लग रही हैं, ठीक है। अब कुछ फ़ोटोग्राफ जो है वो क्लिक करते हैं। तो गाइस, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं मेरी वीडियो कैसी लगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।